इतनी जान आ गई, बैग उड़ गया मेरा। 75 आर्ट के पास सीधा बॉक्स आया हुआ है एंड उसमें निकली नया कच्चा। अच्छा मैं यास्मीन के लिए ये भी मंगाया हुआ था, किसी हेयर बैंड थी ना, मैं कहा लो। हाय गाइस, डे 50th इट इज। वाओ शिवम, मेरा डे 50 है। रात को मैं शिवम के ही गिर गया था, क्योंकि इसका घर मतलब ऐसे समझ लो जैसे वो टावर है, वहाँ पे ही एयरपोर्ट है बट दूसरी साइड। तो मेरी फ्लाइट है 8:20 की और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ 7 बजे। सॉर्टेड है भाई, ये काम तुमने बढ़िया किया है, घर यहाँ पे लेके समझ रहा है। छोड़ दो कहाँ, छोड़ दो भाई, उड़ गया बिल्कुल। लोग इतनी जाना कि बैग उड़ गया मेरा। बट हम सोए सिर्फ 2 ही घंटा है, भाई का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। रात को थोड़ा पार्टी को शिट कैसे खोलूँ, क्या ये रख लेना नीचे, बात जम करेगा। ओ चल बता, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, आके मनाते हैं तेरा बर्थडे। पार्टी पेंडिंग, 75 आर्ट के पास सीधा। ओके बाय। चंडीगढ़ में विस्तारा का ये बेस्ट सीन है, इकोनॉमी लुक्स लाइक बिजनेस क्लास ब्रो, प्रीमियम की जरूरत ही नहीं है, इट्स ओके। सीट भी आ गया है और पूरा खाली भी है, या तो इधर मेला ही लगेगा पूरा, सिस्टम चलने बंद हो जाएंगे, या तो भाई सीधा निकलो। सबसे मुश्किल है निकाल तो दो बट इसे वापिस रीऑर्गेनाइज करना बैग में। और भाई तुम्हारा ब्लॉगर, इलेक्ट्रॉनिक्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स, सप्लीमेंट ही सप्लीमेंट। अभी लैपटॉप की ट्रे अलग, गैजेट्स की ट्रे अलग, बैग की ट्रे अलग। मेक श्योर टू कैरी योर पानी की बोतल। फाइनली बैक होम, सोऊंगा भाई मैं पहले। क्या है भाई, तगड़े हो रहे हो, तगड़ा हो गया। ये क्या कर रहा, अभी तक चल रहा है ऊपर में, चार काम चालू है ना, ऊपर तोड़ दे घर उनका। इग्नोर द बैकग्राउंड, मैं घर पे आया बहुत थका हुआ था, मैंने देखा टाइम फेम कुछ बॉक्स आया हुआ है एंड उसमें निकली बुक फुल ऑफ लेटर्स, सबके बारे में बहुत प्यारी चीजें लिखी है। थैंक यू सो मच काशवी, थैंक यू सो मच। इग्नोर द बैकग्राउंड गाइस, ओह क्यूटी। कहता तू जल्दी आया फिर मैं दिल्ली जाऊँ। अब आ गया, बस जाने की तारीख मेरी करीब आ गई है जाने की। दिल्ली तूने बुक करा ली? नहीं अभी नहीं कर। कौन सी तारीख, कौन सी तारीख, मतलब मेरे ऊपर है ना, ठीक है। एक वो डेट से पहले पहले मुझे 25-26 को चल जियो, क्योंकि मैं इधर ही हूं ना अभी, उससे पहले चले आऊंगा। गुड शिट रनिंग, हैप्पी बर्थडे अर्श फैम, वेलकम बैक होम। गाइस आपको पता है कि अर्श फैम और मैंने, मतलब मैं कभी भी आज तक अर्श फैम के बर्थडे में नहीं रहा हूँ। सबको पता, वो भी व्लॉग्स देखते हैं कि तो कभी भी मेरे बर्थडे पे मैं आया था, मैं बैस हो गया था। हाँ तो समझ गया मैं, चलो तो I like it क्या तुम्हारे दिल की बात। Congratulations यार, नहीं जो किया ना तूने वो क्या नहीं किया, मर्च अपने ड्रॉप क्रेजी ब्रो, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, बड़ा मेरा ऑरेंज कलर का बाया बाया ऑरेंज है ब्रो, कौन आपके लिए, हाँ वाटरमेलन नहीं बोला था तो सही है, सही है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कब बनाएंगे बर्थडे साथ में भाई, भाई अभी बड़े हो गए अब क्या साथ में, अब एंडिंग तक भाई कबर में भी आए लोगे तब भी बर्थडे साथ में मनाया जाओगे। शिट तो भाई वो बाहर भी नहीं लेके जाता, चेयर बाहर ले जाए कुछ तो, नहीं नहीं केज रहेगा तो लैडर के साथ से लेके आएगा, नीचे लेके। चलो खेलें फिर अभी,
खेलते हैं, एक मैच लगा लेते हैं भाइयों ने। भाइयों ने नवी गेम डाउनलोड किया WWE, उस पे लगे रहते हैं। प्रो होना पड़ेगा इसमें। क्यों बोनी, तू क्या देख रहा है? फाइनली हैविंग माई फर्स्ट मील। टाइम देख लो, 7:30 बजे जाके मैं अपनी फर्स्ट मील ले रहा हूँ। बट फ्लाइट में मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, शिवम के घर सुबह मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी, उसके बाद इधर लैंड होके मैंने अपना दोस्त को प्रोटीन पी लिए थे, तो उसके बाद मैं सो ही गया था। सो ये डाइट में ये बेस्ट पॉइंट है कि एनर्जी आप में रहती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको भूख लग जाएगी, कुछ खाना है खाना है खाना है वैसा कोई सीन नहीं है। एंड उससे पहले मैंने 45 मिनट्स अपना स्ट्रेचिंग भी किया था, फिर भी ऐसा नहीं लगा भूख लगी है भूख लगी है भूख लगी है। अभी एडिट करते करते खाऊंगा। गाइस रेशो की डाइट हेल्दी ले में। वाओ हैप्पी संडे। अच्छा मैं तो स्नैपचैट पे हुई नहीं, मैं तो स्नैपचैट पे हुई नहीं। अच्छा देख 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 मतलब हेल्दी 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 लिविंग हेल्दी लिविंग। जा जल्दी, हेल्दी जगह से मतलब काफी लाइट है, काफी लाइट है हेल्दी जगह से। अब इसके बाद हैवी मैकडी भी मंगा लियो यार, मेरे साथ खा लेते हैं, पनीर खा लेता बाद में। ये खा ले रगड़ा रगड़ा। हाँ मैं खा सकता हूँ, मैं भी टेस्ट किया था रगड़ा टाइम। प्लेन में है अच्छी हो रही, पानी पूरी नहीं ले सकता, इसमें मीठा होता है ना? नहीं इसमें सिर्फ तेरा नमकीन पानी है ना, हाँ मतलब तीखा पानी किस हिसाब से मीठा होता है ये है मीठी चटनी। चल काफ सोनी है एटलीस्ट पानी में प्रोटीन और पानी फिर मीठा बोल दिया मैंने मिर्च लगी खाली मीठी चटनी बस हो गया। वाओ मेरी न्यू आउटडोर वर्कआउट स्पेस, मैंने पहले को नहीं सोचा इधर मैं बात करता रहता हूँ बैठा बैठा, मैं सोचा मैं तुरता तुरता क्यों नहीं बात कर लूँ। सो यहाँ पे अभी बात बूत कर रहा था कॉल पे एंड मैंने जस्ट रियलाइज किया कि आउटडोर वर्कआउट तो मेरा हो गया है। सो संडे को मैं ये बालकनी में टहला करूँगा यार। आउटडोर वर्कआउट इज लाइक इतना कैलरीज बर्न नहीं होती कि तुम चलो चल रहे हो, बट आई फील लाइक अभी 25 दिन रह गए हैं, मेरे को टाइम देना चाहिए अपनी रनिंग पे ज़्यादा, सो दैट रनिंग में भी मेरा स्टैमिना ज़्यादा बढ़े। एंड यहाँ पे आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज भी ज़्यादा है, सो कल से यहाँ पे नहीं करूँगा मैं, बट आज संडे था घर पे ही था एंड वैसे मेरे को नीचे जाना था, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया ये भी तो आउटडोर है संडे बहाने, बट कोई बात नहीं, जिस दिन हमारा होगा स्ट्रेचिंग डे उस दिन हम आउटडोर वर्कआउट हमारा यहाँ पे किया करेंगे एंड बाकी दिन फुल पावर ट्राई किया करेंगे कि भाई रनिंग करें, क्योंकि अभी 10 किलोमीटर मैराथन भी भागनी है, 15 भी भागनी है, छोटी छोटी सी ड्रीम है 42-45 सब मैराथन भाग जाऊँगा। 75 डेज के बाद भी ये चीज़ कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, तब जाके और स्टैमिना एक अलग लेवल तक यू नो आई कैन अनलॉक इट। हाय गाइस, पढ़ाई टाइम इट इज एंड मैंने किताब खोली पढ़ने लगा एंड मैंने देखा कॉन्क्लूजन, या हमारी किताब ख़त्म हो चुकी है गाइस, एटॉमिक हैबिट्स। वाओ इतनी मोटी किताब पढ़ ली है जस्ट 15-20 दिन में आई थिंक, तो अभी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, बिहेवियर्स आर एफर्टलेस हेयर। हमारे बिहेवियर एफर्टलेस कब होते हैं, जब ऑब्वियस होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, ईजी होते हैं, सेटिस्फाइंग होते हैं। एंड बिहेवियर्स आर डिफ़िकल्ट हेयर, जब इनविजिबल होते हैं, अनअट्रैक्टिव होते हैं, हार्ड होते हैं, अनसेटिस्फाइंग होते हैं। इसको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कोई एक अच्छी हैबिट बनानी है, अगर आपको अपनी कोई स्किल मास्टर करनी है, अगर आपको अपने लाइफ में अपने गोल्स अचीव करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो सब चीज़ों के हैबिट्स बनाने के फॉर्मूला क्या है। अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखनी तो मैं बोल रहा हूँ एटॉमिक हैबिट्स खरीद लो बाय जेम्स क्लियर। बंदे ने बहुत कुछ अचीव किया है एंड अपने ही अचीवमेंट से उसने और लोगों को भी ये चीज़ें सिखाई है, अपना इंस्टीट्यूट बनाया है, काफ़ी लोग वहाँ से पढ़ के गए हैं एंड NBA फुटबॉल वहाँ के कोचिस भी जेम्स क्लियर से एडवाइस लेते थे कि उनके जो प्लेयर्स हैं उनको क्या एडवाइस दे ये हैबिट बिल्ड करने की या और क्या सिखाएं कि वो एक चीज़ मास्टर कर जाए। सो इसमें जिम के एग्जांपल्स बहुत थे,
बास्केटबॉल के एग्जांपल्स बहुत थे, बेसबॉल के एग्जांपल बहुत थे, एंड वो साइकिलिस्ट वाला एग्जांपल, ब्रिटिश साइकिलिस्ट वाला, बहुत क्रेजी बुक है यार, आपको ये पढ़नी चाहिए. ओके सो आगे क्या, लिटल लेसन्स फॉर द फोर लॉस, जो हमने पढ़े हैं छोटे लेसन्स उसके. क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड, ये अभी मैं डिटेल में तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, बहुत लंबे टॉपिक है, बट चलो मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं. अवेयरनेस कम्स बिफोर डिज़ायर, ध्यान से सुनना. हैप्पीनेस इज सिंपली द एब्सेंस ऑफ डिज़ायर. इट इज़ द आइडिया ऑफ प्लेजर डैट वी चेज. पीस अकर्स वेन यू डोंट टर्न योर ऑब्जर्वेशंस इन टू प्रॉब्लम्स. जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसे अगर हम प्रॉब्लम्स में लेके जाएंगे तो कैसे पीस आएगा. इमोशंस ड्राइव बिहेवियर. वी कैन ओनली बी रेशनल एंड लॉजिकल आफ्टर वी हैव बीन इमोशनल. योर रिस्पॉन्स टेंड्स टू फॉलो योर इमोशंस. सफरिंग ड्राइव्स प्रोग्रेस. रिवॉर्ड इज ऑन द अदर साइड ऑफ सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस करो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. आप कोई अच्छी हैबिट बना रहे हो, उसे दिन रात कर रहे हो, नहीं हो पा रही, महीनों तक कर रहे हो, नहीं हो पा रही, सालों तक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली होने लग जाएगी, तो जाके आपको मिलेगा रिवॉर्ड. रिवॉर्ड के लिए तो हम अभी काम कर रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई गोल हो हमारा, चाहे कोई बकेट लिस्ट को टिक मारना हो, कुछ भी हो, सेक्रीफाइस हर चीज़ में चाहिए. सेल्फ कंट्रोल इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग. अवर एक्सपेक्टेशंस डिटरमाइन अवर सेटिस्फैक्शन. वाओ. एंड इसके बाद और भी चीज़ें लिखी हुई है, हाउ टू अप्लाई दिस आइडियाज़ टू बिजनेस, हाउ टू अप्लाई दिस आइडियाज़ टू पेरेंटिंग. बस ये सब ही था, बाकी ये सब चीज़ें जो लास्ट में मैंने पॉइंट्स बोले हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, यू कैन चेक द बुक, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. एंड आई थिंक वो एक एक लाइनर से ही आपको समझ आ जाना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा था. बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो. अभी आई विल हैव माय डिनर एंड कल सोचना मेरे को सुबह उठ के कौन सी किताब स्टार्ट करूँ. मेरे पास वैसे पढ़ी है नॉन फिक्शन काफ़ी किताबें, उनमें से कोई पिक कर लूँगा. बाकी आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि आपको आगे क्या पढ़ना है. मैनिफेस्ट डन, एटॉमिक हैबिट्स डन. क्या आपको गिफ्ट दिखाओ. मैं यास्मीन के लिए ये भी मंगाया हुआ था कि हेयर बैंड थी ना, मैं कहा लो अच्छा लगा. दूसरे भी तो थे वो आए सर पे छोटे छोटे. अरे ये और कौन से कलर आया है? ब्लू पिंक और सुंदर लग रहे हो. चीतू दादा देखो क्या बोल रही है. देखो कहती क्या पंखा लगाया क्या क्या लगा? पंखा नहीं वो हेयर बैंड है. अच्छा ये देखो क्या करते रहते हो.